सनफ्लावर जलेबी वाले की सफलता। गढ़वाल में प्यारे नाम का व्यक्ति जलेबी बेचता था। एक दिन घर के आंगन में उसका बेटा बद्री मोबाइल फोन पर आंगन में उग रहे पौधों का फोटो निकाल रहा था। ये देखकर प्यारे बेटे से, अरे नालायक, जब देखो घास फूस के या सड़क के किनारे कुत्तों का वीडियो निकालते रहते हो। तुम्हारा और कोई काम धाम नहीं है, इसका कोई फायदा भी है? दमड़ी की तो कमाई है नहीं। तब बद्री, बापू उसे कम ना समझना, मेरे यूट्यूब चैनल में 50,000 लोग मेरा फॉलोअर्स हैं। तब प्यारे, मैंने भी सुना है, सवेरे सवेरे बिना मुंह हाथ धोए गुड मॉर्निंग कहते रहते हो ना उनको। फिर मैं अभी अभी बाथरूम गया हूँ, अभी अभी मैंने दांत साफ किया है, अभी अभी मैं नहा के आया हूँ, अभी अभी मैं बनियन बदल रहा हूँ। ऐसे फालतू वीडियोस बनाते रहते हो, सुना है? हैं? एक बात बताओ बेटा, वैसे तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो? तब बद्री, देखो बापू, मैं तुम्हारी तरह जलेबी बेचने वाला नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। मैं प्रकृति को कैमरा में बंद करना चाहता हूँ और उसकी सुंदरता मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। तब प्यारे, अरे वाह बच्चू, तुम्हारे इरादे कितने बेकार हैं। ये कैमरा में बेकार की फोटोएं खींचना छोड़ दो और मेरे पास आकर जलेबी बनाना सीखो, कल यही तुम्हारे लिए रोटी पानी देगी। कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। तब बद्री अपनी माँ बबीता के पास गया और प्यारे ने जलेबी बनाने की जो बात कही वो सब बताया। तब बबीता, अरे बेटे, तुम तो अपने बापू के बारे में जानते ही हो, अगर वे कोई बात ठान ले तो छोड़ते नहीं जब तक वो पूरा ना हो। बेटा, ये तुम दोनों की आपस की समस्या है, मैं इन बातों में नहीं पड़ूंगी। कहकर अंदर चली गयी। यूँ एक हफ्ते बाद बद्री ने प्यारे के ठेले के पास ही एक ठेला लगाया और उसमें सनफ्लावर जलेबी का बोर्ड लगाकर वहाँ बिक्री करने लगा, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। तब प्यारे, क्यों बच्चों, बाप के साथ ही कंपटीशन है, तुम मुझसे ज्यादा जलेबी बेचोगे? तुमने ये सोचा कि बड़े बड़े जलेबी बनाऊंगा और ऐसा नाम रखूंगा जो लोगों से बोला भी ना जाए तो धंधा चल पड़ेगा? बेटा, जब से मैंने कच्छा पहना है तब से मैं ये धंधा कर रहा हूँ, मेरा 30 साल का तजुर्बा है। देखो बच्चा, अगर बाद में तुमने मुझसे ये कहकर पैसे मांगे कि मेरा नुकसान हो गया तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। तभी कुछ नौजवान एक कार में आए और वहां उतरे। उन्होंने बद्री को सनफ्लावर जलेबी देने को कहा और खाकर उसके स्वाद का आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ डिलीवरी बॉयज आए और सनफ्लावर जलेबी का पार्सल लेकर वहां से जाने लगे। यूं देखते ही देखते बद्री ने अपना सारा जलेबी बेच दिया। कुछ ही दिनों में बद्री जलेबी बहुत मशहूर हो गया और वो बहुत बिजी हो गया। प्यारे का धंधा एकदम ठप पड़ गया। यूं देखते ही देखते उसका काफी डिमांड होने लगा तो बद्री सनफ्लावर जलेबी को निर्यात भी करने लगा। यूं कुछ महीने बीत गए। काम छोड़कर घर में बैठे पिताजी के पास बद्री आया। बद्री अपने पिताजी से, क्यों जलेबी डैडी, आप कह रहे थे पैसे मांगोगे तो खाल उधेड़ दूंगा, बस और 2 महीने ठहरिए, मैं नई गाड़ी खरीदने वाला हूँ। तब प्यारे, अरे बेटा, मेरे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जलेबी में ऐसा क्या है जो लोग यूं पागलों की तरह आकर खा रहे हैं। परसों मैंने तुम्हारा जलेबी मंगवाया, उसका स्वाद भी मेरे जलेबी जैसा ही है। तब बद्री, बापू जलेबी तो वही है लेकिन उसे पेश कैसे करते हैं ये बहुत जरूरी है, इतना ही नहीं उसका प्रचार कैसे करते हैं ये बहुत जरूरी है। मेरे जान पहचान के कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनके द्वारा मैंने जलेबी की खूब पब्लिसिटी कराई। जानते हो उस वीडियो को अब तक कितने लोगों ने देखा? 5 लाख लोगों ने। यूं ऑर्डर्स आते हैं, यूं डिलीवरी होता है, तो आपसे वो सनफ्लावर जलेबी का काम आप संभालो, मैं फोटोग्राफी संभालता हूँ, क्यों ठीक है ना? बाय बाय बापू। यूं अपने पिताजी से कहकर वहां से चला गया। तब बद्री ने अपना ठेला किसी को किराए पर दे दिया। अपने बेटे की सूझबूझ को देखकर प्यारे बहुत खुश हुआ।